यह है राजशमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मतलब आई हर्ड इन वन ऑफ द पॉडकास्ट यू सेड कि यू कीप ट्रैवलिंग लॉट ऑफ इंडिया और आपने बहुत ट्रैवल किया था जगह जगह जाके, एंड वन एग्जांपल यू वर गिविंग कि आप क्राउड मैनेजमेंट सीख रहे थे मंदिर में जाके, राइट? सो दैट वाज वन इनसाइट। तो टॉप थ्री स्टेट्स जहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सीखा इंडिया की स्टेट स्पेसिफिक इनसाइट। बनारस आई थिंक हमारे यहाँ जो भी ज्वाइन करता था हम लोग सबको बोलते थे बनारस जाना है। क्यों? अगर इंडिया को समझना है तो बनारस जाइए। अच्छा, इंडिया की रिटेल को समझना है तो बनारस जाइए। उस टाइम पे बनारस में 1 लाख विजिटर आते थे एवरी डे, अब 2 लाख आते हैं। एंड बनारस वॉज अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ ओरिजिन्स वर देयर, म्यूजिक से लेके सम फाउंड ऑफ वीविंग ऑल्सो, सम काइंड ऑफ लॉट ऑफ फूड हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम बनारस टू, एंड बनारस वेरी कल्चरल सिटी। एंड आई थॉट द रिटेल ओवर देयर वॉज वेरी ऑर्गेनाइज। एक स्ट्रीट में अगर अंडरगारमेंट्स होते, एक स्ट्रीट में अंडरगारमेंट्स ही मिलते थे, तो इट वॉज वेरी वेरी वेल डिजाइंड मार्केट। एंड आई वॉज अनबिलीवेबली फैसिनेटेड बाई बनारस। अगर इंडिया को समझना है तो बनारस देखना चाहिए। अच्छा, सो एनीबडी यूज टू जॉइन अस एट अ सीनियर लेवल, सबको हम लोग बनारस भेजते थे। आई यूज टू विजिट बनारस अ लॉट। कभी कोई इंटरेस्टिंग इनसाइट देखा, कुछ देखा आपने? कि मैंने मतलब दुकान में गाय देखा हूँ, रेगुलर बैठती थी एंड कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता था। दुकान में गाय बैठी रहती थी फुल टाइम। अच्छा, दुकान के बाहर? या आई सॉ द बेस्ट मॉडल ऑफ एल्ट्रुइज्म इन बनारस के, देयर वाज अ हमारे मित्र हैं जलान ब्रदर्स करके, तो वो हर जो भी ट्रक आती है सब ट्रक ड्राइवर को एक प्राइस पे खाना देते हैं, तो उनके यहाँ पे सबसे पहले सामान पहुँचता था बिकॉज उनके यहाँ खाना सस्ता मिलता था। तो उनका जो देने की भावना थी, एल्ट्रुइज्म एज अ बिजनेस मॉडल, दे नीड नॉट एडवर्टाइज बट दे वर वन ऑफ द फाइनर रिटेलर्स आउट देयर जस्ट बिकॉज दे वर अ गिवर बैक टू द सोसाइटी। एंड तो आपको हर जगह पे कितने लोग मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। तो बनारस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग सिटी ऑफ इंडिया। तो आज भी जाना चाहिए? एनी डे, अभी भी। बट विद टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न, नथिंग चेंजेस, यू कैन लर्न इंडिया अभी भी। या ओके, व्हाट अदर कोई, आई थिंक इंडिया में एनी सिटी यू गो, बनारस के अलावा कौन सी सिटी ने आपको बहुत फैसिनेट किया? एवरी सिटी आई वुड से, लाइक फॉर मी नागपुर इज अ मार्केट, नागपुर इज अ सिटी। क्या फैसिनेट किया? दैट डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉपुलेशन ऑफ 40 लाख। ओके, एस्पिरेशन लेवल्स आर वेरी वेरी लो, वन ऑफ द लोएस्ट इन द एंटायर कंट्री। एस्पिरेशन लेवल्स वहाँ के यंग लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो एज अ पॉपुलेशन वाइज ह्यूज, मिडिल क्लास वेरी ह्यूज, बट एस्पिरेशन लेवल लोअर देन पुणे, नासिक, इंदौर से तो बहुत लो होंगे। तो हाउ डू यू क्रैक दैट मार्केट एंड वाई इज इट सो लो? एंड वाई इज इट लो? वहाँ पे द डोमिनेंट कम्युनिटी ब्रिंग्स यू डाउन। दे आर प्यूरिस्ट, दे डोंट वॉन्ट टू चेंज, दे आर स्टिल डोमिनेटिंग दैट space. तो that space has the larger group has to become the other players. अभी हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। When I used to go there 15-20 years ago, it was very different. I thought there was not a single multi cuisine restaurant until 15 years ago there. एक ही cuisine मिलता था पूरे शहर में। महाराष्ट्रियन? No, Indian, मतलब Indian मुगलाई। Indian बस उस महाराष्ट्रियन तो मिलेगा ही मिलेगा। But Indian as a whole. तो वेरी डिफरेंट सिटी देन नाउ, लाइक हैदराबाद एज अ सिटी हैज अनबिलीवेबली फैसिनेटेड मी। क्या फैसिनेट किया? इट्स अ पंजाब ऑफ द साउथ एंड द कंजम्पशन इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्लोदिंग, ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑफ मूवीज, एंड इट्स टुडे ऑल्सो इट्स लाइक द वे द सिटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड। देयर आर टू सिटीज आई बिलीव हैज चेंज द फेस ऑफ द एंटायर सिटी इज अहमदाबाद एंड हैदराबाद। ओके, क्या मतलब क्या क्या? एवरीथिंग हैज चेंज, द लैंडस्केप, द रोड्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द बिल्डिंग्स, कल्चर, द नाइट लाइफ, द कल्चर, द पीपल, मतलब अनबिलीवेबल चेंज। बेंगलोर वी सॉ इट चेंजिंग, सो नथिंग न्यू, बट हैदराबाद एंड अहमदाबाद अनबिलीवेबल, शॉकिंगली चेंज। व्हाई डिड यू से पंजाब ऑफ साउथ? इट्स द साउथ ऑफ, उधर कंजम्पशन लाइक एनी, हम तो हर चीज अहमदाबाद पहले हैदराबाद से लॉन्च करते थे, वहाँ पे शॉर्ट विन मिलता है। अच्छा, मेंस वेयर का सब बिकता है? सब कुछ बिकता है। मेंस वेयर का क्या बोल रहे थे? लाइक मेंस वेयर का ह्यूज मार्केट इट वॉज, अभी भी होगा ह्यूज मार्केट। हमारी एक सेंट्रल दुकान थी, 500 करोड़ का बिजनेस करते थे, वन स्टोर।
and our EBITDA was more than 50 crores for that store. क्या बात कर रहे हो? Yeah. So 500 crore one store. One store. Central. How big? 3 floor, 4 floor? No, no. We huge store. 2.5 lakh square feet. Okay. वही बेंगलोर में भी थी एक 350 crore की दुकान. तो interesting markets. So Hyderabad is that. और consumption मतलब Punjab is very consumption based. नहीं Punjab अब consumption मतलब इतना price point नहीं मतलब consumption मतलब नई चीज़ और चीज़ भी बहुत लेते हैं. अच्छा तो पंजाब में न्यू चीज़ लेते हैं क्या आप? नहीं 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 चाहिए वो चीज़ भी लेते हैं. नहीं चाहिए वो भी चीज़ लेते हैं. अच्छा मतलब एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं. एक्स्ट्रा कंजम्पशन. और पंजाब में ये होता है बहुत. पंजाबी इज अ वर्ड के पंजाबी आर एक्स्ट्रावेगेंट इन स्पेंडिंग. ओके ओ दैट वे इन दैट सेंस. ओके मेरे को लगा कि पंजाब और हैदराबाद में कुछ एक सिमिलर पैटर्न है. पैटर्न तो दैट सिटी बिकॉज कंजम्पशन वाइज पंजाब इज लिटिल लो. नहीं कंजम्पशन बिकॉज उधर तो मिडिल क्लास है ही नहीं ना. उधर तो अपर क्लास है और वर्कर क्लास है. बीच वाली क्लास ही नहीं वहाँ पे. इतना तो आपको बहुत स्क्यूड डेटा मिलेगा. आपको मर्सिडीज देखेगी बहुत बिक रही है. लुधियाना में इतनी गाड़ियाँ मर्सिडीज है बट मिडिल क्लास नहीं है. दैट्स द चैलेंज इन पंजाब. और कोई सिटी जो फैसिनेट करी? पटना. पटना कैसे? कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है वहाँ पे. आप कुछ भी खोल लो लाइक स्टार्विंग एस्पिरेशन अच्छे हैं और पढ़े लिखे लोग भी है. वर्ल्ड हिस्ट्री भी है. थोड़ा कल्चर भी है पुराना. तो हाईएस्ट डोमिनो जब पहली बार खुला तो हमने जब खुला भी उधर तो बाप रे बाप हमने इतनी कभी क्राउड देखा ही नहीं. और जो भी चीज़ नहीं खुलती है उधर इतनी मतलब उधर तो शॉर्टेज है हर चीज़ की ऐसा लगता है. मतलब कुछ भी खोलो चलेगा. तो वहाँ पे फिर वहाँ पे क्यों नहीं लोग खोलते हैं अगर खुल रहे शॉर्टेज? धीरे 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 प्रॉपर्टीज का है ये है वो है कुछ ना कुछ है. एंड वन सिटी विच हैज ऑलवेज सरप्राइज्ड मी एंड कलकत्ता. कैसे? के इट्स अ इवॉल्व सिटी. निर्वाणा बहुत जल्दी पहुँच गए थे. सो यू हैव टू डील विद दैट सिटी इन दैट मैनर. क्या क्या डिफरेंट था उधर? इज वेरी कलकत्ता मीन्स आपको आपको वहाँ के कस्टमर की इज्जत करो. आप उससे इमोशनली कनेक्ट करो. दे विल नेवर लीव यू. मतलब रिलेशनशिप ड्रिवन सिटी. रिलेशनशिप एंड इमोशन ड्रिवन. आप एक रिश्ता बना लो उनसे वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. फिर लॉयल्टी हाई रहेगी. लॉयल्टी बहुत हाई रहेगी. मतलब प्राइस वाइज से इतना फर्नी जितना प्राइस वही है. प्राइस इज गिवन मतलब नो डे नॉट पे गिवन बट दे आर व्हेन दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद यू दे आर विद यू. वन कौन सी ऐसी सिटी या स्टेट है जहां पे बिजनेस स्टार्ट करना तो नहीं चाहिए इंडिया में? बॉम्बे. क्यों? वेरी एक्सपेंसिव. वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड रेशियो टू द रेंटल यू पे. लाइक यू पे 1 rupee रेंटल एंड यू डू ₹X ऑफ बिजनेस. यू पे 1 rupee ऑफ रेंटल इन हैदराबाद एंड यू डू एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेस बिकॉज योर मार्जिन आर द सेम एवरीवेयर. सेम थिंग इफ यू अप्लाई दैट फिलोसॉफी बॉम्बे इज नॉट वर्थ इट. एंड डू यू फील कि इंडिया में अभी भी ऐसा होता है जहाँ पे नॉर्थ में चीज़ें अलग बिकती है वेस्ट में अलग मिलती है ईस्ट में अलग मिलती है? कुछ कुछ नुआंसेस तो ही हैं बिकॉज ऑफ द वे वी आर बोर्न. आई थिंक सीजन अलग है. नॉर्थ में 2 या 3 सीजन लगते हैं. अपने तो बॉम्बे में तो सिंगल सीजन है. एक ही सीजन है. तो कपड़े बेचने के लिए कपड़े के लिए योर स्किन केयर के लिए हर चीज़ में कंजम्पशन कम हो जाता है. खाने में भी कम हो जाता है ना चेंज हो जाता है. एक ही वेदर में और 2-3 वेदर में कंजम्पशन खाने का भी बहुत फर्क पड़ता है. तो 3 वेदर खाने में ज़्यादा बढ़ता है. 100% पर ग्रामेज यूजेज इन नॉर्थ इज फार हायर देन इन बॉम्बे. ओके टेल मी दिस गिव मी कंपैरिजन. आई डोंट नो. आई थिंक नॉर्थ का आदमी 500 ग्राम खाता है दिन का या आई डोंट नो द नंबर ग्रामेज क्या होता होगा. बॉम्बे का तो 250-300 पे होगा. कंपेयरिंग आई एम टॉक कंपेयरिंग दैट. सो अगर कंपैरिजन में अगर दिल्ली का इंसान एक खाता है तो बॉम्बे वाला आधा खाता है. थोड़ा सा ज्यादा 6 मान लो 0.6 खाता होगा वॉल्यूम वाइज. इंटरेस्टिंग. और क्या डिफरेंसेस है बॉम्बे दिल्ली में? कपड़े. क्या कपड़े इज वेरी डिफरेंट. आई थिंक जब विंटर का क्लोथिंग इज लाइक सो दिल्ली इज इवॉल्व लाइक क्रेजी. दिल्ली में यू विल फाइंड एवरी थर्ड वुमन सेकंड वुमन इन अ बूट्स नाउ. अब स्पष्ट सीजन चालू ही हो रहा है. वो लोग सब तैयारी कर रहे होंगे नए खरीदने की या पुराने साफ सफाई हो रही है. सो यू फील फैशन कैपिटल इंडिया का कौन सा होगा? आई थिंक इन द नाइट इफ यू गो टू इन बॉम्बे night places I think you will see fashion in Bombay. Delhi will see different kind of fashion but Delhi is also I think at par now with Bombay in terms of fashion. Yeah. And consumption. Yeah. And do you feel in Delhi mein people consume more because the because whole they go out also a lot. The society is more about socializing Jyada. Bombay mein time kaha milta hai itna.
जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता उनको टाइम नहीं मिलता है. बट इंडिया बिकम्स इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरी सिटी हैज इट्स ओन चार्म. हर सिटी का एक अपना चार्म है. थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.